हम हई दीवाना पवन सिंह के, भोजपुरी में रैप विनय किंग के, कि चचा विधायक न पापा खन लायक, अपने ही दम पे बेटा बानी हम नायक, सब केहू करे कॉपी कर ना ही पाई बेटा, सोचे ला जल्दी से बाप बन जाए। कि लागे लू तू चंद से भी खूबसूरत, मन करे शादी कली देख के मुहूर्त, सूरज से तेज बाड़ू चांद से सफेद बाड़ू, हमरा लिए तू रानी सबसे विशेष बाड़ू। कि बाटे भैया के गजब कहानी, इनके चाल में आवाज में रवानी, आरा जिला के भैया जी ताज हवे, भोजपुरियन के भैया डिमांड हवे, पवन सिंह बरांड हवे। हम तोर चांद है तू मोर तारा, अखिया से अखिया में होके दाई सारा, मत करा मोहे इग्नोर बेबी, लेका काम के हई रहा श्योर बेबी, श्योर बेबी, बट कमर लचीला तोरे नयना नशीला, हिले दुनिया के जिला जैसे डिस्को रंगीला, आज हद से भी ज्यादा गुजर जाता। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चर्चा में। और आज हमारे साथ चर्चा में चर्चा करने के लिए भोजपुरी के बहुत बड़े रैपर हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़े कह सकते हैं, क्योंकि इन्हें पावर स्टार पवन सिंह का भी सपोर्ट मिल चुका है। इनका नाम है विनय किंग, बहुत ही अच्छा रैप सॉन्ग करते हैं। अभी हाल फिलहाल में इनका शुभला फिल्म से आया था, जो कि पवन सिंह के ऊपर इन्होंने एक रैप सॉन्ग गाया था, आप सब जानते हैं, बहुत ही पॉपुलर और वायरल हुआ था। तो आइए इनके साथ चर्चा करते हैं। नमस्कार भाई। नमस्कार भैया, और सबसे पहले जितने भी दर्शक हैं चर्चा को देख रहे हैं, सभी को प्रणाम करते हैं। विनय भाई, कैसा फील हो रहा है आज? कुछ साल पहले आपने मुझे फोन किया था कि भैया मेरा एक वीडियो चढ़ा दीजिए अपने चैनल पे, कुछ लोग देख लें, और मैं जानना चाहता हूं कि मेरी आवाज लोगों को पसंद आती है या नहीं। और आज देखिए, पूरा भोजपुरिया समाज आपको ही नहीं बल्कि आपकी आवाज को भी एक्सेप्ट कर रहा है। बहुत अच्छा लग रहा भैया, और आपने जो सपोर्ट किया तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, और ऐसा कोई करता नहीं है, लेकिन भैया ने बहुत बहुत कुछ हमारे लिए किया है। अभी तो आपको पवन सिंह का भी सपोर्ट मिल गया है, कितना अच्छा लगता है कि स्टार्टिंग में ही आपको सबसे बड़े सुपरस्टार भोजपुरी के जो कहे जाते हैं पावर स्टार, उन्होंने आपके कंधे पे हाथ रख दिया, और फुल उनकी टीम ने भी आपको पूरा सपोर्ट किया। बस आपका आशीर्वाद है, क्योंकि आपने आज से 10 महीना 11 महीना पहले उसमें लिखा भी था कुछ सोच के कि बाबू को कोई सपोर्ट करेगा, और साक्षात पवन भैया ने सपोर्ट किया, तो बहुत अच्छा लग रहा भैया। जरा वो दो लाइन हो जाए आपकी, ताकि ऑडियंस को भी मजा आ जाए, जो अभी आपका शुभला फिल्म से रिलीज हुआ था। बिल्कुल। हम हई दीवाना पवन सिंह के, भोजपुरी में रैप विनय किंग के, लंदन में लॉलीपॉप गाना बजेला, इंडिया में हमारा पुदीना चलेला, साड़ी से ताड़ी हिट हो गईल, टैटू वाला लड़का सुपर हिट हो गईल, 56 के छाती बाटा मुछिया पे ताओ हो, गंगा के किनारे हमरे भैया जी के गांव हो, गौर से आके देखा पंकज पवन सिंह के छतिया पे छपल बा भैया जी के नाव हो। क्या बात है, इसने तो दिल मोह लिया है पूरे भोजपुरी का, खासतौर में जो पवन सिंह के फैन है। अभी क्या रिस्पॉन्स मिलता है इसके बाद, आपकी क्या लाइफ कुछ चेंज हुई है इस रैप के बाद? हाँ, बहुत सारे अभी कॉल मैसेज भी आ रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं, धीरे धीरे और भी प्रोजेक्ट लाएंगे पवन भैया के लिए। पवन सिंह के साथ क्या कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट आपका इन फ्यूचर कभी देखने को मिलेगा दर्शकों को? अब नहीं बता सकते, अभी ऐसा कोई चांस नहीं है, ऐसा कोई चांस नहीं, बस माइक आशीर्वाद रहे, आप लोगों का सपोर्ट रहे तो शायद हो भी सकता है। इन फ्यूचर आपके और कौन कौन से प्रोजेक्ट देखने को मिलने वाले? अभी एक आ रहा है मेरे चैनल पे, विनय किंग भोजपुरी रैपर पे आ रहा है, कि पवन सिंह ब्रांड हमें आ रहा है, कि बाटे भैया के गजब कहानी, इनके चाल में आवाज में रवानी, आरा जिला के भैया जी ताज हवे, भोजपुरियन के भैया डिमांड हवे, पवन सिंह बरांड हवे। अच्छा, एक चीज पूछना चाहूंगा, भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत से स्टार हैं, देखा जाए तो अभी फिलहाल पॉलिटिक्स में आ गए हैं मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, पवन सिंह के ऊपर तो आपने गाना गाया, ये खेसारी लाल यादव भी हैं, राकेश मिश्रा जी भी, अरविंद केला कल्लू हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, तो आपने सिर्फ पवन सिंह के ऊपर ही रैप क्यों लिखा और गाया, और भी बहुत सारे स्टार हैं उनके ऊपर क्यों नहीं लिखाया गया? पवन सिंह भैया को बहुत हम मानते हैं, और कहीं ना कहीं पवन सिंह भैया के सामने जब मैंने ये रैप सुनाया तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। बाकी और बहुत सारे स्टार को, खेसारी भैया को मैंने भी सुनाया था एक रैप, लेकिन सपोर्ट नहीं मिला, और जो बाहर थे हम बोले थे भैया थोड़ा सुन लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए, पूरा नहीं, वो सब भगा दिए, तो नहीं वहाँ पे सुन पाए वो। मतलब इसके पहले भी आपने ट्राई किया था? हाँ, बहुत बार ट्राई किए थे, खेसारी भैया के लिए हम लिखे थे, मेरा कोई वो नहीं था, कि बस मेरा यह था कि उनको सुनाए बड़े लोगों को, और जो मेरी लिखित है, जो मेरा रैप है, उनको कैसा लग रहा, कहीं आपका टैलेंट है, हाँ, कहीं कहीं अगर आशीर्वाद मिलेगा तो मैं और काम करूंगा, कि मुझे आशीर्वाद मिल गया, लेकिन ऐसा कोई। आप प्रॉपर किस जगह से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश या बिहार? उत्तर प्रदेश। कौन सी जगह से? गोरखपुर जिला। गोरखपुर से। वहाँ पे बेसिकली क्या है कि शूटिंग के दौरान आपकी पवन सिंह से मुलाकात हुई कैसे?
पवन भैया से हम लोग गए थे वहाँ पे नेपाल, तो बैग चोरी उरी हो गया वहाँ पे। आपका? हम दोनों भाई का, हम एक ही बैग में था कपड़ा पड़ा। अच्छा। चोरी हो तो हम लोग फिर वापस आए, मोबाइल नेपाल में घुसते ही मोबाइल डब्बा जैसा हो जाता है, तो कैसे हम लोग मैसेज करते, लोकेशन करंट पता भी नहीं था, बस इंस्टाग्राम पे हम लोग फॉलो करते थे कि आए यहाँ शूट चला। उनके भाई ऋतिक सिंह जी है तो वो डाले थे गोरखपुर में, तो हम लोग फिर दोबारा गए गोरखपुर, रेडसन ब्लू था वहाँ पे, पूरा रात हम लोग खड़े थे 12 बजे तक, और मैसेज आया कि बाबू आप लोग कल आइएगा, दिल पूरा एकदम टूट गया। फिर स्टेशन पे हम लोग वहाँ पे रुके, फिर उसके बाद फिर सुबह 6 बजे से फिर 11 बजे तक हम लोग खड़े खड़े, क्योंकि किसी बड़े होटल के सामने ना बैठने दिया जाता है, बस ये कि खड़े रहो साइड में खड़े रहो। हाँ, जो जितने सिक्योरिटी थे वो भी सब बोल रहे थे कि हाँ जबरा फैन हो तुम लोग, कल ही से देख रहे हैं खड़े खड़े खड़े। मतलब काफी मशक्कत के बाद पवन सिंह से मुलाकात हुई। हाँ भैया, हाँ काफी मेहनत करना पड़ा। जी भैया, देख लीजिए आप लोग, आपको लगता होगा कि बस होटल में गए पवन सिंह निकले मुलाकात हो गई, लेकिन नहीं, रात भर खड़े रहे, दिन भर खड़े रहे, एक दो दिन बाद लौटना भी पड़ा, नेपाल भी उनके पीछे गए, तब जाके कहीं ना कहीं पवन सिंह से मुलाकात हुई, फिर इन्होंने उन्हें अपना गाना रैप सुनाया, उसके बाद जाके कुछ बात बनी, फिर इनको फुल सपोर्ट मिला। हालांकि बहुत से कम स्टार हैं भोजपुरी में जो नए कलाकारों को सपोर्ट करते हैं, ऐसे ही हैं पवन सिंह। तो विनय भाई, अभी आपका क्या मामला है, कि सिर्फ पवन सिंह के ही बारे में चीजें गानी है और अपना करियर बनाना है पवन सिंह के पीछे, या फिर कुछ अलग भी करेंगे आप भोजपुरी? मेरा तो सपना भोजपुरी रैपर का है, एक तो पवन भैया के लिए तो हमेशा मतलब गाते रहेंगे, जैसे जैसे ब्लॉकबस्टर भैया का आता रहेगा उनके ऊपर तो मान लीजिए गर्वा करेंगे। बाकी जो मेरा काम है भोजपुरी रैप करना, तो मैं और भी मेरे अपने जीवनी पे लिखा हूं कि चचा विधायक ना पापा खलनायक, अपने ही दम पे बेटा बानी हम नायक, सब केहू करे कॉपी करना ही पाई, बेटा सोचे ला जल्दी से बाप बन जाई, रैप हम सुनाई गर्ज बादल तूफान, चल बेटा बंद कर तू रैप के दुकान, बच्चन के खेलना ही बाई सयाना के, भोजपुरी रैप लिखी कॉपी नहीं गाना के, एक सांस में रैप बोली बोलत हम जाई, रैप के पिटारा हम खोलत ही पब्लिक के लेके हम डोलत ही जाई, कुछ गलत न जाई हम अलग ही जाई, बस नाम पहचान पे मरत ही जाई, भोजपुरी रैप में पंगा ना लिए बेटा, भर दे पाप जाके गंगा में दिए बेटा, बोरिया बिस्तर उठा ले बैग, भोजपुरी रैप करी भोजपुरी रैप, शूटिंग में करे जाई हेल्पर के काम, लोग इज्जत ना देवे लोग करे बदनाम, गौआ मोहल्ला में हल्ला हो गई, बाबू जी के लई का न चनिया निठल्ला हो गई। अक्सर ये आपने जीवनी उठा के रख दी है, गांव में अक्सर लोग ऐसा बोलते हैं। हाँ भैया, आपके घर वालों का क्या रिस्पॉन्स है, आपकी फैमिली मेंबर? बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, पहले नहीं था अब अच्छा है। पहले सपोर्ट नहीं था? नहीं, पहले उतना सपोर्ट नहीं था, पापा कभी सपोर्ट करते थे फिर कभी नहीं करते थे, तो हम तो कई बार घर छोड़ के भाग भी गए हैं। अच्छा, आप घर भी छोड़ के संगीत के लिए भागे? हाँ भागे, बैंगलोर गए थे तभी ना आपको बताए थे, कॉल किए थे वीडियो करने के लिए, और मेरे पैर में एक बॉटल था, रेलवे लाइन के साइड में घर है, तो वो धंस गया था, ब्लड भी आ रहा था, तो 4-5 दिन तक मैं घर ही पे था, तो होता है घर का ताना होना, ये समझ सकते हैं आप, तो माइंड डिप्रेशन में चला गया, जॉब करो ये करो, हमको यही बस करना था। रात को दोस्त को फोन किए कि भाई हम बैंगलोर आ रहे हैं, करा तत्काल में, तुरंत चले गए। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या है, लोग रैपर तो और भी पहले आए हैं, लोगों ने गाने गाए भी हैं, रैप किए भी हैं, लेकिन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन जितना समर्थन, जितना प्यार, जितना सहयोग आपको मिल रहा है, इससे पहले मुझे नहीं लगता किसी भोजपुरी रैपर को मिला है। अब आपको हम सबसे समझ लिए तो ब्रेकिंग न्यूज ही समझ लीजिए बताने जा रहे हैं। आज से 7-8 साल पहले दो ऐसे बड़े स्टार हैं, नाम नहीं मैं लूंगा, दो ऐसे बड़े स्टार हैं, क्या होता था पहले स्टारों का नंबर होता था एल्बम पे, तो मैंने फोन किया कि भैया मैं रैप गाता हूँ सपोर्ट करें, मैं उन स्टारों से मिला भी, लेकिन वो 3-4 दिन बाद अपना रैप और सॉन्ग शूटिंग करा के एक एक गाना उन स्टार भैया लोगों का एक एक गाना आज भी है। अच्छा। हाँ, तो करा लिया, हमको तकलीफ थोड़ा हुआ कि आपका ही गाना सुन के, हम मेरा ही गाना सुन के, लेकिन मेरा गाना लिखा हुआ नहीं। अच्छा। वो अपने माइंड से अपना रैप सॉन्ग किए, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो बहुत, और एक मैंने लोग बोलते थे कि बाबू तुम गाना लिखो, मैं गाना गा रहा हूँ, तुमको रैप गवाएंगे हैं और पैसा तुम्हारा नहीं लेगा। लेकिन क्या होता था, जब स्टूडियो में लोग जाते थे तो गाना गाते साथ साथ रैप मैडम भी भेज देता था, रैप कैसे गाना, वो भी गा देते थे। अच्छा। और रैप के लिए मुझे कौन बुलाएगा, तो बाद में आया मेरे पास कि बाबू देखो गाना गा दिए हैं, तो हम देखें रैप भी गा दिए हैं, तो बहुत तकलीफ हुआ, हम कुछ नहीं बोले, कहें भैया बढ़िया, अब क्या हम बोल सकते हैं उसमें। बाद में माता रानी का आशीर्वाद पड़ा, वो स्टूडियो वाला भग गया, गाना गाना कोई से खराब हो गया। अच्छा, इतना खुशी मिला कि तो आपके साथ शुरू में बहुत ज्यादा गलत हुआ है, स्ट्रगल आपने भी किया था बहुत ज्यादा। कितने साल से कोशिश कर रहे हैं? हम तो बचपन से हैं, लेकिन मैं क्या बोलते हैं 8-10 साल से रैपिंग में, जब मेरी बुआ बोली कि कुछ नया कंटेंट दोगे पब्लिक को अच्छा लगेगा, बट रैप सुनाते तो कोई को मजा नहीं आता था, क्योंकि रैप का जमाना नहीं था, है हनी सिंह बादशाह ये इन्हीं सबको लोग सुनते थे, भोजपुरी में नहीं। लेकिन जब शहर में ओपन माइक एक दौरान रैप जब किया, तो लोगों को लगा कि वंस मोर, तो दिल में ये जगह की और मेहनत करूंगा, फिर से मैं अपने लिए लिखना चालू करती। इसमें कैरियर है? हाँ, कैरियर है, भोजपुरी रैप मुझे करना है और प्रोफेशनल करना है, ये वल्गरिटी टाइप का सिस्टम नहीं रखना है, और एक अच्छे तरीके से
बस समझ ले भोजपुरी का अश्लील रैप नहीं करना है। नहीं नहीं भोजपुरी का हनी सिंह बनना है, बस पब्लिक का प्यार मिल जाए। वो तो आपको मिल ही रहा है। चलिए ये थे देखिए हमारे साथ विनय किंग भोजपुरी, जिन्होंने कुछ लोग तो कहते हैं कि बहुत कम समय में सफलता हासिल की, लेकिन आज पता चल रहा है 8-9 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, दर दर की ठोकरें खाई हैं, तब जाके पावर स्टार पवन सिंह का सपोर्ट मिला है। और आज वाकई में कहा जाए तो इनसे बड़ा भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई रैपर, इस समय का रैपर, इस समय इनसे बड़ा कोई भी भोजपुरी में रैपर नहीं है। और इनके प्रोजेक्ट भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। और कोई जो एक आध दो लाइन रैप के साथ समाप्त करें हम अपना इंटरव्यू? बिल्कुल, एक बहुत पहले लिखे थे, पहले हनी सिंह भैया पे लिखे थे कि लगे लु तू चंद से भी खूबसूरत, मन करे शादी कली देख के मुहूर्त, सूरज से तेज बाड़ू, चांद से सफेद बाड़ू, हमरा लिए तू रानी सबसे विशेष बाड़ू। लगे लु तू चंद से भी खूबसूरत, मन करे शादी कली देख के मुहूर्त मुहूर्त। बहुत बहुत बढ़िया भाई, और मैं चाहूंगा कि भोजपुरी में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी आपका जलवा कायम हो, क्योंकि आप वो चीज कर सकते हैं, आप में वो कैपेसिटी है। जो अभी पवन भैया के जो लॉलीपॉप करके था उस पे रह पा रहा है, हम तोर चा नहीं तू मोर तारा, अखिया से अखिया में होके दाई सारा, मत कर मोहे इग्नोर बेबी, लेके काम के है रहा श्योर बेबी, श्योर बेबी, बट कमर लचीला तोरे नैना नशीला, हिले दुनिया के जिला जैसे डिस्को रंगीला, आज हद से भी ज्यादा गुजर जाएगा, कुछ कर जाएगा, हाँ तर जाएगा, आई लव यू ना कहबू तो मर जाएगा। ये सब चीजें आने वाली हैं, आपने तैयार कर रखा, तैयार कर दिया और डमियों में सब गाना हो गया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विनय भाई, आपने चर्चा में टाइम दिया, तहे दिल शुक्रिया। आशा करते हैं कि आप 4 चांद लगाइए। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बस आपका आशीर्वाद बना रहे, छोटे जरूर जरूर, डेफिनेटली मेरा सपोर्ट आपके साथ पूरा है, आप अच्छा काम करिए बस। धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद।